नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। आज यानी 26 मई को सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 51,000 के नीचे आया है। आज सोना 183 रुपए सस्ता होकर 50,989 रुपए पर आ गया है। वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर दोपहर 1 बजे सोना 79 रुपए की गिरावट के साथ 50,740 रुपए पर ट्रेड करता दिखा। अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में 109 रुपए सस्ती होकर 61,339 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। MCX पर बता दे 160 रुपए से ज्यादा यानी कि करीब 170 रुपए की गिरावट के साथ ये 61,365 रुपए पर ट्रेड करती हुई दिखाई दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1848.86 अमेरिकी डॉलर प्रति औसत पर ये आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 21.84 डॉलर प्रति औसत पर कारोबार कर रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका में निवेशकों और व्यापारियों को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी कि FOMC के बैठक के ब्यूरो का इंतजार है। इस परिस्थिति में डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमत में गिरावट आई है। हालांकि बढ़ती महंगाई को देखते हुए आने वाले दिनों में सोने में फिर तेजी देखी जा सकती है। तो ये थी बात सोने चांदी की कीमत की कि क्या कुछ देखने को मिला है आज सराफा बाजार में। बता दे सोना 51,000 के नीचे आया है तो चांदी भी 61,000 रुपए के करीब पहुंचती हुई दिखाई दी है। तो ये थी बड़ी खबरें। और आज और बड़ी खबरों के लिए अभी आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।